तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हमारे साथ में खड़ी है R15 वर्जन 4 डार्क नाइट कलर है, ठीक है, और गोल्डन कलर के आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में। सो सबसे पहले एक बार मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ दिखती है R15 वर्जन 4 एंड ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ वर्जन 4 के, एंड यहाँ से कुछ आपको ऐसी देखने के लिए मिलती है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे देखो 17 इंच अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं कम्प्लीटली MRF के ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। 100x80 सेक्शन का आपको फ्रंट का टायर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे कम्प्लीटली जो टायर्स हैं ट्यूबलेस आ जाते हैं। 3.5mm की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पे बाइबर्स के कैलिवर्स के साथ में, एंड यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी आगे भी ABS आपको देखने के लिए मिलता है, पीछे भी आपको ABS देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट फाइबर का मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली। थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो रही है, इस चीज़ को इग्नोर करना। ब्लैक कलर के अंदर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर जो है फाइबर का मडगार्ड देखने के लिए मिलता है। अपसाइड डाउन फोर सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। ये देखिए फ्रंट से बात करूँ तो फ्रंट में आपको कुछ है ऐसा जो है ग्राफिक देखने के लिए मिलता है R15 का, और यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है आपको ऐसी कुछ DRL देखने के लिए मिल जाती है, और बीच में आपको मेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है जो कि हाई बीम लो बीम दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। हेडलाइट की बात करूँ ब्राइटनेस की तो आपको एवरेज क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, ज़्यादा कोई खास नहीं बोलूँगा आपको इसके अंदर। अभी तक भी भाई 2,40,000 ऑन रोड प्राइस देने के बाद में भी, ठीक है, अभी तक भी इसके अंदर LED इंडिकेटर्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं, आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। यहाँ आपकी इच्छा है लगवाओ ना लगवाओ। यहाँ पर आपको हेलोजन लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। DRLs आपको देखने के लिए मिल जाती है जैसा कि मैंने बताया। मिरर्स की बात करते हैं, मिरर्स एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। सो ऐसे कुछ आपको मिरर्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर, जिनकी क्वालिटी एकदम एवरेज सी है। आपको काफ़ी जो है मतलब शेक तो नहीं होते हाई स्पीड के अंदर बिल्कुल भी है, बट आपको थोड़ी विजिबिलिटीज़ की कमी देखने के लिए मिलती है पीछे की तरफ, क्योंकि थोड़ी वाइडरनेस कम है इस चक्कर में। सो यहाँ पे आपको कीज़ की बात करूँ तो ऐसे कुछ इसकी कीज़ देखने के लिए मिल जाती है यामा की ब्रांडिंग के साथ में, एंड नॉन कलर्ड LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। ये देखिए ऐसा कुछ इसका मीटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको जो है ट्रैक और स्ट्रीट मोड दो तरह के मोड देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। VVA देखने के लिए मिल जाता है, 7000 RPM से ऊपर आपका जो है VVA एक्टिवेट हो जाता है। आपको यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसको कम्प्लीटली असिस्ट कर सकते हो मीटर को। सो मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो कूलेंट का टेम्परेचर आ गया, यहाँ पे दबाऊंगा तो ट्रैक मोड आ गया। आप ट्रैक से मैं इसको स्ट्रीट में भी लेके जा सकता हूँ। एवरेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको। TCS आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि अभी ऑन हो रखा है। सो TCS का मतलब क्या होता है? TCS का मतलब ये होता है गाइस कि जैसा आप अगर सडनली एक्सीलरेट करते हो तेज, तो जो कई बार होता है कि गाड़ी स्लाइड होकर साइड में चल जाती है, या फिर जो है गाड़ी स्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। TCS का मतलब ये होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। बाकी आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मीटर देखने के लिए मिल जाता है कम्प्लीटली। मैं एक बार और ऑन करके ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है ऐसा कुछ आपको मीटर देखने के लिए मिल जाता है। क्लच की बात करूँ तो बहुत ही सॉफ्ट साइड है, एक उंगली से भी आप असिस्ट कर सकते हो, छोटा बच्चा भी इसको एकदम दबा सकता है। बहुत सॉफ्ट साइड आपको क्लच देखने के लिए मिल जाता है। हज़ार लाइट के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और अभी जो नई वाली R15 आ रही है उनमें सब में एक ही बटन में जो है ऑन ऑफ और स्टार्ट दे दिया गया है, जो कि मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट नोटिस का सुनाऊंगा। अभी हॉर्न की बात करता हूँ तो ऐसे कुछ इसका हॉर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है, ऐसा कुछ आपको हॉर्न देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। सो आप यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट का मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो आप जो है अपने फ़ोन को बाइक से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद में जो भी कॉल्स नोटिफिकेशन वगैरह रहेगा तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, आपको बार बार फ़ोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हो, और यहाँ पर आपको 3D लोगोज़ देखने के लिए मिल जाते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे कुछ वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि एयर प्रोवाइड करें नीचे इंजन की तरफ। यहाँ पे जो है आपको R15 वर्जन 4 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ कम्प्लीटली। यहाँ पे फाइबर का आपको देखने के लिए मिल जाती है हर चीज़ कम्प्लीटली। नीचे से बात करें थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको यामा की मोटरसाइकिल की जो है ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। अभी बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स जो है वो एवरेज क्वालिटी की बोलता हूँ मैं, ठीक है भाई। राइडर की सीट तो थोड़ी सी कम्फर्टेबल है, बट प्लेन की सीट तो बिल्कुल ब्रिक की तरह है, ईट की तरह है एकदम, ठीक है। बिल्कुल आप लॉन्ग राइड वगैरह नहीं कर सकते इसके ऊपर बैठ के, आपको जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ कुशनिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी आप इस पर लॉन्ग राइड्स वगैरह कर सकते हो, क्योंकि इसका पोजीशन पहले ही एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, और फिर जो भी पिलियन का भार रहता है वो सीधा राइडर पर आता है, तो उसके शोल्डर और हिप्स वगैरह सब में पेन होना स्टार्ट हो जाता है कुछ किलोमीटर्स के बाद में ही। यहाँ पे जो है आपको ऐसा कुछ इंजन देखने के लिए मिल जाता है 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए मिलता है, विद 6-speed गियर बॉक्स 1-down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम है। यहाँ पे साइलेंसर आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आती है गाड़ी, 1-down, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ जो है इसके फुट टेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं जिनमें स्पाइक्स निकले हुए हैं,
इजीली आपका जो पैर है ग्रिप बनाए अच्छे से, जिससे बिल्कुल भी स्किट होकर पैर नीचे ना गिरे। यहाँ पे आपको वन डाउन बाकी सारे गियर सिस्टम देखने के लिए मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पे पीछे की तरफ वीवीए की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे 7000 आरपीएम से ऊपर जाएगी गाड़ी तो गाड़ी के अंदर थोड़ा फ्यूल ज़्यादा जाता है और पावर थोड़ी ज़्यादा जनरेट होती है। यहाँ पे पीछे बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है, 7 लेवल्स तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, स्टीफर सॉफ्टर अपने हिसाब से। और पीछे बात करूँ तो ऐसा कुछ अगेन यहाँ पे फुटरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे जो है 140/70 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है 17 इंच अलॉय व्हील के साथ में। गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स आते हैं, डुअल चैनल एबीएस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। आगे भी एबीएस है, पीछे भी एबीएस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाइबर्स के कैलिवर्स आते हैं इसके अंदर। ब्रेकिंग बाइट्स गाड़ी की बहुत ही अच्छी है, 3.5 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है पीछे की तरफ। एंड ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट की जो ब्रेक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, बैक वाली जो ब्रेकिंग है वो इतनी खास आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। पीछे से बैकलाइट की बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको बैकलाइट देखने के लिए मिल जाती है, और ऐसे कुछ आपको हज़ार लाइट देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर। पीछे आपको सिंगल ऐसा कुछ हगड़ देखने के लिए मिल जाता है, और जो मड वगैरह रहता है कीचड़ वगैरह तो थोड़ा पैरों वगैरह पे आने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें हाफ सही हगड़ लगा हुआ है तो आगे आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं मड वगैरह के। टॉप स्पीड की बात करूँ तो इसकी 140-145 km/h तक देखने के लिए मिल जाएगी। एवरेज की बात करूँ तो एवरेज इसका आपको आराम से 55-60 km/h तक का देखने के लिए मिल जाता है, 55-60 का इसका एवरेज देखने के लिए मिलता है। क्योंकि वीवीए की वजह से, वीवीए जब तक आप एक्टिवेट करके नहीं चलाओगे, मतलब कि जब तक आप 7000 आरपीएम से नीचे चलाओगे तब तक ये काफ़ी अच्छा एवरेज देगी, 7000 से ऊपर लेके जाओगे तो थोड़ा सा एवरेज कम हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसका कोल्ड स्टार्ट करके एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। तो ऐसे कुछ आपको इसका एग्जॉस्ट नोट देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही बेसी भी नहीं है, बहुत ही माइल्ड भी नहीं है, एकदम मीडियम एग्जॉस्ट नोट आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत ही शानदार है। अगर आपको बाय करनी हो तो आप अगर यामा आ सकते हैं, अभी यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं नवरात्रा के अंदर। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अगर आपको कोई और क्वेरी हो या कमेंट सेक्शन में आप बता पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या कोई सजेशन है तो वो भी मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। टिल देन स्टे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।